दोस्तों दाल मखनी बना रहा हूँ। दाल मखनी बनाने के लिए हमने काली उड़द दाल को 3 से 4 घंटे हमने पानी में भिगोया। देखो कुछ इस तरह है, ग्रीन सा कलर हो गया, ऐसे ही निकलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमने 300 ग्राम काली उड़द दाल लिया हुआ है और साथ में हमने 3 बड़ी चम्मच यानी कि करीब 100 ग्राम राजमा भी लिया हुआ है। दोनों एक साथ मिक्स करेंगे और प्रेशर कुकर में डाल के 5 से 6 विसल करेंगे ताकि ये बढ़िया सा पक जाए। ओके, 1/2 टीस्पून नमक डाल के बढ़िया सा इसको कुकिंग करेंगे। दाल मखनी बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए देखते हैं। हमें यहाँ पर चाहिए अदरक लहसुन की पेस्ट और जीरा पाउडर, कश्मीरी मिर्च, टमाटर प्यूरी। यहाँ पर हमने 4 बड़े टमाटर को हमने मिक्सी में पीस के टमाटर प्यूरी बना रखे है, बड़ा मजेदार लग रहा है। और बटर, भाई बटर के बिना कैसे दाल मखनी बनेगा। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, कुकिंग ऑयल और नमक और थोड़ा सा कस्तूरी मेथी। दरअसल जब तक दाल पक जाते हैं तब तक हम ग्रेवी की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे बटर। यार बटर के बिना कैसे दाल मखनी बनाएंगे। ध्यान रखना बटर कभी भी जलना नहीं चाहिए, क्योंकि बटर कभी भी जलते नहीं है, यानी कि ब्राउन होने से पहले ही इसको अगले मसाले की तैयारी करते हैं। ओके, साथ में हम डालेंगे 1 बड़ी चम्मच यानी कि 1 टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च, बढ़िया लग रहा है। साथ में हम डालेंगे 1 बड़ी चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट। अब चाहे तो अलग अलग डाल सकता है लेकिन बटर जल जाएगा, इसलिए हम दोनों एक साथ डाल रहा हूँ। ओके, इसको भी बढ़िया अच्छी तरह से इसको पकाएंगे। 1/2 टेबल स्पून जीरा पाउडर डाल देंगे। दोस्तों दाल मखनी में प्याज डालने की जरूरत नहीं, अगर आपको पसंद करते तो आप दाल जो कुकर में डालते टाइम छोटे बारी टुकड़े में काट के प्याज, चाहे तो आप एक प्याज को काट के डाल सकते हैं और बिना प्याज में भी बहुत मजा आएगा। अब हम डालेंगे टमाटो प्यूरी। देखिए यहाँ पर हमने 4 मीडियम साइज टमाटर मिक्सी में पीसा हुआ है, बिल्कुल फाइन पीसा हुआ है, हम इसको डाल देंगे। आहा, टमाटर प्यूरी डालने के बाद हम 3 से 4 मिनट ढक्कन बंद करके इसको बढ़िया तरीके से पकाएंगे ताकि इसकी पूरे रस यहाँ निकल जाए और बढ़िया सा ग्रेवी मिल जाए। ओके, ग्रेवी बढ़िया तरीके से कुक हो रहे, ऐसे करेंगे हम 1/2 टीस्पून नमक और ऐड करेंगे। ओके, यहाँ पर ग्रेवी बढ़िया तरीके से तैयार हो रहा है और ध्यान रखना जो टमाटर जो डालेगा इसमें जो है ये थोड़ा सा खट्टा होना चाहिए टमाटर, तब मजा आएगा। देखते हैं हमारा दाल 5 विसल के बाद कैसे बना। शाबाश, एकदम बढ़िया हो गया, अपना ग्रेवी भी बढ़िया बन गया, खुशबू भी आ रहा है। ऐसा करेंगे हम दाल इसमें ऐड करेंगे। ओके, अपना दाल मखनी एकदम बढ़िया बन गया, मजेदार। और हम अभी इसमें सर्विंग बोल में निकालेंगे और ये बेहतरीन आइटम अपने घर पर ट्राई कर लेना। हमने बहुत सिंपल सरल तरीके से बनाए हुए हैं और अपना अपना स्टाइल है लोगों को बनाने का। ये आई थिंक दिस इज अ बेस्ट सिंपल स्टाइल टू मेक दाल मखनी। ट्राई दिस एट योर होम। Thank you.